फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्रिसैंथेमम की सेविंग का तरीका सिखलाऊंगी। मेरे गार्डन में क्रिसैंथेमम बहुत सुंदर से ब्लूम किया है। इसको मैंने पिछले साल के ही पौधों से तैयार किया था। उसकी कटिंग को फिर से लगाकर मैंने बहुत सारे पौधे, कम से कम 50 पौधे तैयार किए थे। अगले सीजन में भी मैं उसी तरह से प्रिपेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं सारे पौधों को सेव करने की तैयारी कर रही हूँ। कुछ पौधों को तो मैंने गमले में ही रहने दिया, जो अलग टाइप की वैरायटी थी, और कुछ तो जो मेरे पिछले साल के पौधे थे उसको मैंने एक बास्केट में, जिसमें मिट्टी भरी थी, उसमें मैंने लगा दिया, क्योंकि मैं अक्सर उनमें कटिंग्स लगाती हूँ, इसलिए मैंने उसमें सेव कर लिया है। कुछ पौधों को मैंने पाउच में सेव किया, प्लास्टिक के पाउच जो आते हैं नर्सरी से, उसमें उन्होंने सेव किया है, और इस तरह से मैंने पानी डालकर उसको सेव किया। कुछ दिनों के बाद करीब करीब मैंने इसे 4 तारीख को सेव किया था, और आज 23 मार्च को मेरे कई सारे पौधों में, जो मैं गमले में ही छोड़ दी थी, उनमें फिर से ब्लूमिंग हुई है। यह देखकर मेरा मन बहुत खुशी से भर गया कि सीजन में ब्लूमिंग, डबल ब्लूमिंग इस बार क्रिसैंथेमम पे आई है मेरे गार्डन में। शायद इस बार की मेहनत कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए ऐसा फल मिला है। इस तरह से देखिए मेरे सारे पौधों में कलियाँ आई हैं, किसी में एक फूल, किसी में दो फूल, इस तरह से करीब करीब 5-6 गमलों में कलियाँ आई हैं। शायद पुणे वैरायटी जो जो प्लांट है उनमें फिर से कलियाँ आ गई हैं, और देसी वैरायटी में नहीं आई है। ये देखिए ये सब मैंने पाउच में लगाए हैं, और जो जिसको मैंने छोड़ दिया, जिसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, उसी में कलियाँ आई हैं। इसको मैंने टोकरी में लगाया है, बास्केट में, जो देखिए अब कितना सुंदर लहला रहा है। इस तरह से आपको भी अगर क्रिसैंथेमम की को अगले सीजन के लिए सेव करना है, तो आप भी किसी न किसी पॉट में उसको रख लीजिए, और थोड़ा गर्मी से बचाइए, उसको छांव में रखें, बड़े पेड़ों के नीचे रखें, या गमले के ऊपर रख दें, बड़े गमलों के ऊपर रख दें, तो बच ही जाते हैं, कुछ ना कुछ तो बच ही जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड कमेंट भी कीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और बेल का को क्लिक करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगली नोटिफिकेशन उसी से आपको मिलेगी। ये देखिए मेरे कटिंग्स में भी फुटाव आने लगे हैं। इस तरह से देखिए बहुत ही हरी भरी हो गई है क्रिसैंथेमम के पौधे। थैंक्स माय फ्रेंड, गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।